मेरा नाम डॉक्टर अजमल है, आपका नाम जी? रियाज साहब, मैंने आपके नाक का मुआयना करना है, तो उम्मीद है प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, ऊपर देखें, ये मैं सारे वेजिकल्स वगैरह देख रहा हूँ, स्कारिंग वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं, कोई धीमा वगैरह सीधे देखे सामने। अब ये मैं क्या कहते हैं, इंटरकैंथल डिस्टेंस देख रहा हूँ, ठीक है। इर्द गिर्द अगर कोई क्या कहते हैं, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा अब आपके नाक में कहीं ऐसा देखिए कि सामने देखिए, सामने क्या चीज़ है, ठीक हो गया। अच्छा, आपने ना अपनी आंखों से मेरी इस उंगली को देखना है, ठीक है, और इस तरह देखना है कि आपको सर ना हिले। आपको ये दो तो नहीं नजर आ रहे? अच्छा, आपके नाक में कहीं दर्द वगैरह तो नहीं है? अच्छा, मैं अब इसको थोड़ा सा दबाऊंगा, तकलीफ होगा अपने उठने में, रुक जाओ। ये मैंने सारा कहते नेजल बोन देखी है, कार्टिलेज देखी है, कला देखी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये मैक्सिलरी साइनस, मॉइडल साइनस, ये सारे साइनस देखिए। अच्छा, मैं अब आपके नाक का मुआयना करूँगा। ये चीज़ है, ठीक है, इससे आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इससे मुझे आपके नाक को देखने में आसानी होगी, जरूर करें। ये मैं लिटरल वॉल और सेप्टम देख रहा हूँ, मैंने इसको रोटेट किया है, तो अब मैं रूफ और फ्लोर देख रहा हूँ। अब मैंने जब रिमूव किया है, तो मैंने थोड़ा सा बंद करके निकाल लिया और बाहर आके बंद किया। अब दूसरा ऐसे ही, मेरी लाइट फोकस्ड है उस पर, ठीक है। अच्छा यहाँ साहब, लेफ्ट नोट, मैंने आपके नाक का पीछे से मुआयना करना, आप गला खोलेंगे, मुंह खोलेंगे। अब ये हमारे पास गर्म करने के लिए कोई चीज नहीं है, ठीक है, तो फ्लेम में गर्म करना है, ठीक है, और उसके बाद अपने टच करना है और पेशेंट के टच करना है, ठीक है, कि आपको गर्म महसूस नहीं होगा, ठीक है। फिर आप मुंह खोलेंगे, ठीक है, मैं अभी अंदर इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि गंदा है ना, ठीक है। टंग डिप्रेसर है, जो कर्व एंड है, इससे आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है, टंग को डिप्रेस करना है, ठीक है, और साथ ही आपने ये राइनोस्कोप लेके जाना है, ठीक है, और पोस्टीरियरली गले के अंदर, ठीक है, लाइट फोकस करके देखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके जब ये हो जाए, तो उसके बाद क्या कहते हैं, आपने चेक करनी है इसकी क्या कहते हैं, फंक्शनल एग्जामिनेशन स्मेल है, और दूसरी चीज है आपके पास पेटेंसी। स्मेल के लिए ये है कि कोई भी टिश्यू पेपर होगा, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल ये परफ्यूम छिड़का होगा, ठीक है, तो विश्व के सामने रखने, क्या सब आंखें बंद करें, आपको खुशबू आ रही है, अब आ रही है आपको खुशबू, अब खुशबू आ रही है आपको, ये होगी स्मेल चेक। पेटेंसी के लिए क्या सीखे, टंग डिप्रेसर पकड़ना, ठीक है, और ऐसे ही कहना है, यहाँ सब सांस लें, अभी उसमें फॉग आ गई है, ठीक है, अब यहाँ सब सांस लें, अब सांस लें। मुझे ये नजर आ रहा है कि दोनों की मतलब की पेटेंट है दोनों इनकी नॉस्ट्रिल। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट चीज है, वो है लिम्फ नोड एग्जामिनेशन। अब क्योंकि मैं उस पर जाने से क्या समझ बैठ जाऊंगी, लिम्फ नोड एग्जामिनेशन में क्या है कि सबसे पहले तो सबमेंटल, सबमैंडिबुलर, ठीक है, सुपीरियर जगुलर, मिड जगुलर, इंफीरियर जगुलर, एंटीरियर सर्वाइकल, ठीक है, ये सारी एंटीरियर सर्वाइकल है। उसके बाद ये पोस्टीरियर सर्वाइकल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाते सब ऑक्सिपिटल, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ये प्री ऑरिकुलर। उसके बाद पेशेंट के सामने से राइट वॉल करें, ठीक है, और यह सब आपके डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह को जल्द से अल्लाह हाफिज़।